स्वातिस किचन और क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम आम का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे। नाम सुनते और देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना ये टेस्टी लगता है। चलो तो गुड़ केरी अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो राजापुरी कच्चा आम लिया है। आपके यहाँ जो आम मिले वह आप ले सकते हो। आम को अच्छे से वॉश करके मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया है। अब इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मैंने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम सब चीज़ों को हाथों से ऐसे उछाल के मिक्स करेंगे, जिससे हल्दी और नमक आम में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए एक दिन के लिए ढक्कन रख के साइड पे रख देंगे। 24 घंटे के बाद आम मैरिनेट होके हल्दी और नमक का पानी अलग हो जाता है। अब हम आम को छन्नी में डाल के छान लेंगे। इसका जो नमक और हल्दी का पानी निकलता है, इसे हमें फेंकना नहीं है, तो इसका हम खट्टी मीठी दाल में यूज कर सकते हैं। अब हमें इसे एक कपड़े पे फैन के नीचे 5-6 घंटे के लिए सुखाना है। इसे धूप में नहीं रखना है, नहीं तो आम के टुकड़े हार्ड हो जाएंगे। तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 1 कप राई की दाल, 1/4 कप मेथी की दाल, 1.5 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने राई और मेथी की दाल को मिक्सर में दरदरा पीस के डाला है। अब हम एक बर्तन में 1 कप मूंगफली का तेल गर्म करने रखेंगे। यहाँ पे हमें मूंगफली का तेल ही लेना है। तेल को हमें इतना गर्म करना है कि तेल में हम एक चुटकी राई की दाल डालें तो वो ऊपर आ जाए, इतना ही हमें गर्म करना है। तेल गर्म हो गया है, अब हम ये तेल राई और मेथी के दाल पे डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इस पे ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। मार्केट में राई मेथी और धनिया की दाल मिलती है, हमें उसे मिक्सर में दरदरा पीस के ही डालना है। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे, 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे और 1/4 कप जितना दरदरा पिसा हुआ धनिया के दाल को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च के दाने डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अचार ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसलिए ये अचार बुजुर्ग और बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तीखी लाल मिर्च डालें। आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें 1/4 कप जितना तीखा लाल मिर्च डाल सकते हो। अब इसे मिक्स करके 1/4 कप कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये गुड़ केरी के अचार का मसाला तैयार है। आम के टुकड़े सूखने तक हम इसे ढक्कन रख के साइड पे रख देंगे। 5-6 घंटे के बाद आम के टुकड़े सूख गए हैं। अब इसमें हम 400 ग्राम जितना गुड़ मिक्स करेंगे। गुड़ को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या ग्रेटर से ग्रेट करके डालना है, जिससे गुड़ जल्दी पिघल जाएगा। मैंने ये देसी गुड़ लिया है। देसी गुड़ ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए मैंने ये 400 ग्राम डाला है। आम खट्टा हो और आप कोल्हापुरी गुड़ लें तो उसमें 500 ग्राम जितना गुड़ डालना चाहिए। आम के टुकड़ों को हाथ से दबा के चेक कर ले, हाथ को जरा भी पानी ना लगे और अच्छे से सूख गए हो तो टुकड़ों को अचार मसाला में डाल दे। अब आम के टुकड़े गुड़ और मसाले को अच्छे से मिक्स कर ले और उसके बाद ढक्कन रख के साइड पे रख दे। अचार में गुड़ पिघलने के लिए 3-4 दिन लगते हैं। हमें रोज दिन में 2 बार इसे अच्छे से मिक्स करना है। 4 दिन के बाद भी गुड़ ना पिघले तो और 1 दिन आप इसे रख सकते हो। आप देख सकते हो कि 4 दिन के बाद गुड़ पिघल के और सब मसाला मिक्स हो गया है। ये गुड़ का खट्टा मीठा अचार बनके तैयार हो गया है। अब एक सूखे कांच की बोतल में हींग डाल के इसे धूप में 1 घंटे के लिए रखना है। इसके बाद बोतल में चारों साइड हींग लगे इस तरह से बोतल को घुमाना है। मैंने बोतल को 1 घंटे के लिए हींग डाल के धूप में रखा था। अब हम अचार को इस बोतल में भर देंगे। अब ये कच्चे आम और गुड़ का अचार बनके तैयार है। ये अचार 1 साल तक बाहर खराब नहीं होता है, लेकिन अचार निकालते समय सूखी चम्मच से निकालें, इसका ध्यान रखें। आप इस मेथड से और परफेक्ट माप से
गुड़ और आम का अचार जरूर बनाएं, आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।